गाइज मैं रंजन आपके अपने चैनल ऑल न्यू कबूतर टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत करता हूँ। सो गाइज तो आज की जो वीडियो होने वाली है, एक भाई ने कमेंट करा था, तो कमेंट तो यार पता नहीं इधर उधर हो गए, तीन चार कमेंट आए तो उन्हीं भाई के। तो भाई आज की वीडियो उसको पुराना है, तो आप लोग वीडियो पूरी एंड तक देखना। और मैं अभी इस टाइम छत पर हूँ क्योंकि भाई कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, सो पूरा सेटअप भी गीला है, बट ऊपर वाले की दुआ से सारे कबूतर सूखे हैं, गीले नहीं हुए। ठीक है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो पूरी एंड तक देखना। तो चलिए भाई वीडियो देखते हैं। तो भाइयों तो भाई का कमेंट यह आया था दो तीन वीडियोस पर आए थे कि भाई मेरा कबूतर ने एक ही अंडा दिया है, दूसरा कब देगा, मतलब और देता नहीं है, मतलब ऐसी कुछ कमेंट उनका, वो डिलीट हो गए कमेंट, दो तीन कमेंट उन्होंने एक ही वीडियो में करे थे। तो भाई मैं बताना चाहूँगा कि आपके जो कबूतर हैं, ठीक है भाई, मैं तो जो रिकमेंड करूँगा आप लोगों से यही करूँगा कि आप लोग यार बच्चे ना निकलवाया करें, क्योंकि यार सही बता रहा हूँ, अभी आप लोगों का नया नया जुनून है, नया नया शौक है, मुझे पता है काफ़ी भाइयों का, आप लोग मुझे पता है किसको देख के और कैसे सोचते हो। आप लोग किसी की छत पे जाते हो, वहाँ देख लेते हो अंडे बच्चे करवा रहे हैं, फिर सोचते हो आप लोग कि भाई मैं अपने कबूतरों के अंडे बच्चे से बहुत ज़्यादा कर लूँगा, ठीक है। और मतलब ऐसी कुछ होती है, मुझे पता भाई आप लोग जो भाई रियलिटी में बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग सोचते हो कि भाई मैं 10 जोड़े लाऊँगा, 10 से 20 कर लूँगा बच्चे निकलवा के, तो भाई वो गलत है। आप लोगों का भी मतलब अभी आप लोगों का भी वो नहीं हुआ रिलीज, मतलब रियलाइज़ नहीं हुआ कि, क्योंकि भाई पिछले साल सीज़न ये हुआ था मेरे साथ, भाई मैंने भी यही सोचा जब शुरू शुरू में कबूतरबाजी करी थी कि भाई मैं भी बच्चे निकलवाऊंगा ये वो, भाई साहब सारे कबूतरों की ऐसी तैसी हो गई थी, जिसे कहते हैं ना सारे मर भी गए थे। पहले की वीडियोज़ में भी जाके देख सकते हो, मतलब एक साल पहले की वीडियो में कितने कबूतर हुआ करते थे मेरी छत पर, ठीक है। तो भाई तो आप लोग मेरे रिकमेंड थे तो भाई अंडे बच्चे ना निकलवाया करें, क्योंकि आप लोग मुझे पता है उस्तादों को देखकर, जो बड़े बड़े उस्ताद खलीफा होते हैं, जो बड़े बड़े छतों पे दो दो ढाई ढाई सौ कबूतर रखते हैं, 50-50 कबूतर रखते हैं, उनके यहाँ बच्चे भाई निकल जाते हैं, क्योंकि उनको तरीका मालूम होता है। हम लोगों को भी इतना अच्छा तरीका मालूम नहीं है, चाहे भाई मैं भी कितना भी बता दूँ ना आप लोगों को, पर मैं उनकी तरह नहीं बता पाऊँगा आपको, जैसे उस्ताद खलीफा जो भी है। भाई देखो रियलिटी बता रहा हूँ, जो जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। तो रही बात एक अंडे की, तो भाई कबूतर एक अंडा जब धरता है तो उसके दो तीन दिन बाद दूसरा अंडा धरता है, दो दिन बाद मतलब, ठीक है। अगर वो नहीं भी धरता तो भाई उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं आपको एक दिखाता हूँ अपनी कबूतरी, ये देखिए ये बैठी हुई है सामने, ये जो जा रही है। सो गाइज ये कभी भाई एक एक साल पर अंडा धरती है, वरना धरती है तो एक ही धरती है, वरना दो धरती है, वरना धरती ही नहीं है भाई, इनमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो भाई कबूतरों में काफ़ी ये होता है कि अगर आपके कबूतर काफ़ी पहले से ब्रीडिंग कर रहे हैं, मतलब आपके कबूतर एक साल पुराना जोड़ा है और वो लगातार ब्रीडिंग करते आ रहे हैं, फिर वो रुक गया अचानक, आप लोग बोलते हैं भाई ब्रीडिंग कर रहे थे और रुक गए हैं, तो भाई उनकी जो फैंटेबिलिटी होती है ना, मतलब आप लोगों को मैं बताता हूँ, जो उनकी क्षमता है, जो अंदर की उनकी कैपेसिटी है, वो ख़त्म हो जाती है, जिससे उनकी लो हो जाती है, तो इसलिए वो अंडा धरने के लायक ही नहीं बचते, मतलब उनकी हिम्मत नहीं हो पाती अंडा धरने के लिए, अंडा रखने के लिए। तो भाई लोग ऐसा मत करो, ठीक है। आप लोग अगर अंडे बच्चे निकलवा रहे हो लगातार रेगुलर, तो भाई उनको थोड़ा आराम दो, मैं आपको एक हिंट बताता हूँ। सपोज करो कि आप लोगों ने कुत्ता पाल रखा है, ठीक है, कुत्ता पाल रखा, आप उसको पूरे दिन भगा रहे हो, ठीक है भाई, भगाते रहो, जितनी उसकी कैपेसिटी, जितनी उसकी क्षमता है उतना ही तो भागेगा भाई, ठीक है। फिर बाद में वो भी थक के रुक ही जाएगा, चाहे आपने उसमें कितना भी डंडा खा लो, चाहे डंडे मार लो, चाहे ईंट मार लो, भागेगा नहीं बेचारा। तो भाई ऐसी कबूतरों के साथ कुछ कंडीशन होती है, लगातार ब्रीडिंग करने से उनकी भी जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए वजह से वो कबूतर अंडे रखना बंद कर देते हैं, ठीक है भाई। इस साल तो मैंने बच्चे निकलवाए नहीं, मेरे भाई ने निकलवाया यार, मेरा भाई कुछ ज़्यादा ही वो है, तो देख सकते हैं एक बच्चा निकला था, रियल नहीं बताऊंगा भाई, तीन बच्चे निकले थे और भाई बहुत गुस्सा आ रही है मेरे छोटे भाई पे, तीनों में से भाई इतनी चार बच्चे निकले थे, तीन मर चुके हैं बेचारा, एक ही बचा हुआ अकेला, वो भी नीचे ऊपर से गिर गया ऐसे, वो भी ऊपर उठा के धरूंगा, ठीक है। तो भाई आप लोगों को भाई मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अंडे बच्चे ना निकलवाए करें, ये सोच के कि भाई हाँ मैं 20-25 कर लूँगा एक अंडे बच्चे से, ठीक है, मतलब 10 जोड़े से 20-25 कर लूँगा, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। कबूतरों की ऐसी तैसी हो जाती है पूरी, आप लोग बड़े बड़े खलीफा उस्तादों को देखते हो भाई, उन लोगों को अपना अच्छा अच्छा तरीका मालूम है, आप लोग उनसे कभी पूछ के देखना, थोड़ी थोड़ी बात बताएंगे, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, बट भाई देखो थोड़ी बहुत आपको बताएंगे, पूरी तो बता नहीं देंगे कि भाई तू ऐसे करियो ऐसे करियो, ठीक है। तो भाई रही बात उसकी, तो भाई आपको अगर करवाना है तो करवाते रहो अंडे बच्चे, और रही बात अगर आपके कबूतर अंडे नहीं धर रहे हैं तो एक दवाई बताता हूँ मैं आपको, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, ईवीऑन 200 mg गोली आती है, रेड कलर की कैप्सूल होती है, विटामिन ई की होती है वो, आप उसको मादिन को खिला देना, ठीक है, तो अंडे धरने लग जाएगी अगर आपके कबूतर शुरू से अंडे नहीं धर रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि आप लोग नए जोड़े खरीद के लाते हो, तो क्या पता भाई उनके अभी उनने लगातार ब्रीडिंग करी हो तो उसकी वजह से उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई हो, इसलिए अंडे धरते हो। तो भाई रही बात इसी सब चीज़ों की, तो जब तक के लिए बाय। ये छोटी सी वीडियो बनाई थी, देख सकते हैं ये बच्चा कैसे चढ़ के ऊपर जा रहा है, देख सकते हैं। और इसका घर ना ऊपर ही है, वहीं पर ये वाला घर है उसका, यहाँ पर कुन्ने में। तो काफ़ी समझदार है बच्चा ही बेचारा। तो जब तक के लिए बाय, मिलते अगली वीडियो में, रोमांचक वीडियो आपके सामने आती रहेगी, ठीक है गाइस। तो बाय, और बाकी आपकी इच्छा, अपन निकलवाओ या मत निकलवाओ, जो मेरा रिकमेंड था भाई मैंने आपको बता दिया है। तो लव यू ऑल, मिलते रहेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ जल्दी जल्दी भाई सब्सक्राइब करो भाई, जनवरी के लास्ट तक मुझे 14K सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, वो आप लोग कराओगे। 40,000, 35 तो हो चुके हैं, 5,000 और कराने हैं, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कराओ, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय।